चुके हैं, मतलब जाना है शादी में, तो वही तैयार पूरा नहीं हुए हैं, बस मतलब साड़ी पहन ली हूँ मैं। देखिए साड़ी पहन चुकी हूँ और मेकअप करना बाकी है। इतना गर्मी लग रहा है, पसीना निकल रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बस कपड़ा पहना है और बाल बनाया है, अब मेकअप बाकी है और जो भी चूड़ी उड़ी वो सब पहनना है। और यहाँ देखिए बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तानिया को देखें, तानिया तैयार हो रही है। और इधर देखिए तृप्ति को देखें, आपको भी दिखा रही हूँ, ये देखिए तृप्ति भी हो रही है तैयार। वो बोली ना कि खुद से करेगी मेकअप, सब लोग खुद से कर रहे हैं तो मैं भी खुद से करूँगी। कर रही है खुद से, यदि वो अच्छे से कर पाएगी तो फिर ठीक है, नहीं कर पाएगी तो फिर मैं उसको, सुन लीजिए, अच्छे से करती हूँ, नहीं कर पाएगी तो फिर उसको मैं दोबारा से करूँगी ठीक से। ऐसे मुझे भी कोई मेकअप करना आता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत, शादी है तो थोड़ा तो बनता है, लेकिन आप हालत देखो, गर्मी पसीना पसीना कितना हो रहा है, कैसे जो क्या मेकअप करेंगे, पसीना में अभी मेकअप करके जाएंगे और रास्ते में सारा पसीना से गायब हो जाने वाला है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, साड़ी भी जो पहने हैं ना, मतलब मन नहीं कर रहा, मन कर रहा कि बस दूसरा हल्का फुल्का पहन लूँ, लेकिन पहनना पड़ेगा, शादी में जाना है ना, इसलिए। तो ठीक है, तो पहले हम तैयार वार हो जाते हैं, तो फिर तैयार होने के बाद, फुल मेकअप करने के बाद मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। देखिए मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे लोग सब तैयार हो चुके हैं, और वही तानिया को बोली पूरा दिखा दे बोल के, तो मैं पूरा दिखा रही थी कि मतलब पूरा लुक की कैसा लग रहा है पूरा, तो आप लोग बताइएगा। और तानिया अपने आप को खुद ही दिखा रही थी आईने में। देखिए हम लोग हो गए सारे कुछ तैयार, अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो ये देखिए मेरे बच्चे लोगों को भी, तानिया को और तृप्ति, और यहाँ तृप्ति को देखिए, और मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। तो कैसी लग रही हूँ आज मैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अब शादी के घर में पहुंच के फिर वहाँ का जो वीडियो हो पाएगा, जो ले पाऊंगी वो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। वैसे गर्मी बहुत लग रहा है, चलिए ठीक है, तो फिर मैं अभी निकलती हूँ। और यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ शादी के घर में, जहाँ मुझे आना था, और अभी ये स्टेज बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और पूरा अभी खाली है क्योंकि अभी गेस्ट उतना आए नहीं थे, मैं बहुत जल्दी ही आ गई थी, मतलब मैं पहले आ गई थी जानबूझ के, क्योंकि हस्बैंड है नहीं ना, तो फिर वो रहने से तो फिर अपना कार से छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे तो आना था खुद से, तो इसलिए थोड़ा पहले ही आ गए, बाद में फिर मतलब मिलता नहीं मिलता ऑटो वगैरह इसीलिए। और देखिए यहाँ पे फिर ना मैं आ गई थी स्नैक्स कुछ खाने के लिए, कि तृप्ति बोली मम्मी भूख लगी हुई है, तो मैं गई थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे चाट था, गोलगप्पे थे, नूडल्स थे, तो नूडल्स ली हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा ही नूडल्स टेस्टी था। अब मेरे हाथ में दो प्लेट था ना, एक तानिया का था और एक मेरा, तानिया वीडियो बना रही थी इसलिए मैं तानिया का पकड़ी हुई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब दुल्हन ना पार्लर से सज उसके आ गई थी, थोड़ा चल रहा था फोटो सेशन। इस वीडियो में ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आगे आप लोग इन्जॉय कीजिएगा वीडियो म्यूजिक पे। और यहाँ जो है ना मतलब खाने, मुझे करीबन 11 बज चुका था और बारात अभी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, भूख भी लग चुकी थी काफ़ी, तो मैं खा ले रही थी, लेकिन बच्चे अभी नहीं खाए, वो लोग बाद में आराम से खाएंगे। और यहाँ पे कुछ नियम वम चल रहा है, मतलब बारात नहीं आई थी, लेकिन ये बारात से आने से पहले कुछ नियम होता है ना, वो सब चल रहा था। और आगे आगे आप लोग वीडियो म्यूजिक पे इंजॉय कीजिए और बने रहिए वीडियो में। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया।
चल रहा है शादी का नियम शुरू हो चुका था, तो इन मतलब मड़वा पे लाया जा रहा था लड़की को। तो ये बंगाली शादी है, बंगाली शादी में ना इस तरह का नियम होता है पीरा पे ले जाने का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। अच्छे से सब सिंदूर उंदूर दान सब कुछ हो गया था। और यहाँ ना अब उसके बाद कोवर में चल रहा है, खीर और मिठाई खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। खिलाएगी लड़की, खिलाएगा मतलब दुल्हन खिलाएगी दूल्हे को, और दूल्हा खिलाएगा दुल्हन को। तो बस यहीं पे वही थोड़ा बहुत नियम चल रहा है। जितना हो सका मैंने इस वीडियो में आप लोगों के हाथ में शादी का रस्में शेयर किए हैं मैंने, और कुछ कुछ रस्मों का वीडियो मैं नहीं भी ले पाई। फ्रेंड्स ये हो रहा है दोपहर का टाइम, और हम लोग शादी से वापस मॉर्निंग में ही आ चुके थे, और करीबन मॉर्निंग में 6 बजे। रात भर वहीं शादी वाले घर में रुके और मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग सब लोग वापस आ गए। लेकिन आने के बाद बच्चे लोग ब्रश वगैरह करके चाय पानी पिए और फिर उसके बाद सो गए। और तृप्ति तो स्कूल भी नहीं जा पाई क्योंकि कैसे जाती ना, बहुत थक चुकी थी रात में भी, उसका भी नींद पूरा नहीं हुआ था, तो फिर वो भी स्कूल नहीं गई। और दोनों ही बच्चे सो गए, मैं तो नहीं सो पाई क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था घर में, तो मैं तो अपने काम में लग गई, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना वही सब। बच्चे लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, बस वो चाय बिस्किट खा के और वो लोग सो गए दोनों, और मैं तो नहीं सो पाई, काम उम की ख़त्म। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, वीडियो मैंने एंड नहीं किया था, सोची वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को शादी का वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं करती हूँ अपने वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।